हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक वीडियो आज की डेट में आ चुकी है मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूं तो आपको पता चल जाएगी कौन सी वीडियो है तो यहां पर एक दो स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई गई है जिसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं -E है और, है और है, तो है -E अगेन छब्बीस की पूरी गुंजाइश है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के स्टॉक्स तो आज के स्टॉक्स में हम बात करने वाले बैंकिंग स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है वो आपको पता ही है ओके जब मार्केट ऊपर जाएगी तो बिना बैंक के नहीं जा सकती तो इस बात को भी याद रखिएगा तो बैंक को ऊपर जाना बहुत जरूरी है ओके okay, काफी डिस्काउंट पे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और काफी लो प्राइस पे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं तीन बैंक कोटा आईसीआईसीआई और एच डी एफ सी बैंक से रिलेटेड बात करेंगे तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपने चैनल इन्वेस्ट बेलाइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए जाके वीडियो को जाके देखिए सीखिए जितना सीखेंगे उतना पैसा बनेगा और हमसे कॉन्टैक्ट करना है हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो ये पर्टिकुलर नंबर है इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं काफी एफोर्डे

क्योंकि निफ्टी अगर निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी में फोर्टी परसेंट वेटेज ओके किसका है सिंपल बात है निफ्टी फिफ्टी में फोर्टी परसेंट वेटेज है सिंपल बैंक का और बैंक भी कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ओके okay, कुछ सेक्टर आ, अगर हम बात करें जैसे कि एस बी आई हो गया आईसीआईसीआई कोटे एच डी एफ सी जितने भी स्टॉक्स है से निफ्टी फिफ्टी में इनका वेटेज है और ये सारे के सारे स्टॉक्स बात करें तो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और जब तक ये ऊपर नहीं भागेंगे तब तक निफ्टी फिफ्टी ऊपर नहीं जाएगी इस चीज को याद रखिएगा सारे के सारे आई टी इंडेक्स टॉप पर फार्मा यहाँ पर दोबारा रिवर्स हो रहा है अलग अलग यहाँ पर इंडेक्स दोबारा रिवर्स हो रहे हैं बट ये ये बैंक सेक्टर नहीं भाग रहा तो यहाँ पर अब बात है बैंक की तो अगर हम बात करें एक एक करके हम बैंक से रिलेटेड बातें करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक जितनी बार नीचे आया उतनी बार ऊपर गया है। याद रखिए यहां पर नीचे आया था ओके okay, यहाँ पर हमने बार बार आपको वीडियो बनाई थी इसके बाद ऊपर गया यहाँ पर दोबारा नीचे आया थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा ओके कुछ अभी बजट से रिलेटेड न्यूज आएगी ओके फिर दोबारा यहाँ पर ऊपर होता तो हुआ दिखाई देगा क्यों यहाँ पर भागेगा बैंक यहाँ पर अगर देखोगे देखिए लार्ज कैप कंपनी है तीन करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है चौतीस के पी पे आरओ सी आर ओ ई यहाँ पर कम ही रहती है बैंक सेक्टर में डेट की देखिए मत क्योंकि जितना डेट होगा उतना इंटरेस्ट आएगा बाईस रुपए से स्टॉक क्रैश होकर सत्रह पे आ गया है ओके इनमें क्रैश भी ज्यादा होता है भागते भी ज्यादा

ओके क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवन यहाँ पर नंबर आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर ईपीएस देख सकते हैं कंपनी का ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसके अलावा ग्रॉस एनपीएस भी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते क्वार्टरली बेसिस पे एनपीआई कम हो रहे हैं ईयरली बेसिस पे थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे कोटक महिंद्रा बैंक है काफी अच्छा बैंक है इस बिलीव कर सकते हैं ये अपने आप को संभालना भी जानता है ये अपने आप को काम करना भी जानता है ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं छियालीस करोड़ की रेवेन्यू थी जो कि अभी बत्तीस करोड़ बत्तीस हजार करोड़ के आसपास की हो गई है ओके नेट प्रॉफिट जो तेरह करोड़ था वो टेन करोड़ के आसपास का प्रॉफिट तो ये सारे बैंक यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं रिजर्व यहाँ देख सकते हैं अच्छा खासा रिजर्व है ओके तो और यहाँ पर और भी चीज देखेंगे प्रमोट

इसके अलावा हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की आईसीआईसीआई बैंक एक बेहतरीन बैंक है ओके इस शेयर को तो दस एक हजार रुपए के आसपास होना चाहिए था बट स्टिल यहाँ पर कम चल रहा है चौबीस का पीई .E. है ओके यहाँ पर डेट बात करें तो अच्छा खासा डेट मतलब यहाँ पर कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा दे रखा है आठ सौ सड़सठ रुपए से यहाँ पर क्रैश होके सात तो सौ छत्तीस और बार बार हमने यहाँ पर स्विंग ट्रेड करी है यहाँ पर सात सौ रुपए पे जब स्टॉक्स था तब बताया था उसके पास साढ़े सात सौ होता हुआ दिखाई दिया फिर गिरता हुआ दिखाई दिया एक मल्टी बैगर स्टॉक्स रहा है इसके अलावा देखे यहां पर देख सकते हैं कंपनी के जो नंबर है ओके okay, भी बेहतरीन आ रहे हैं यहां पर देखिए हाईएस्ट एवर यहां पर नंबर आ रहे हैं प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट है यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है ईपीएस कंपनी का बढ़ रहा है यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है और यहाँ पर देखेंगे वे रिजर्व कंपनी के रिजर्व बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ग्यारह लाख ,00 करोड़ की तो दे रखी है देंगे और इसके अलावा कैश की बात करें कंपनी के इन्वेस्टमेंट पांच साढ़े पांच लाख करोड़ के आसपास का कैश है सॉरी इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें लगभग तो डेढ़ लाख करोड़ के आसपास का कैश भी है और यहाँ पर एफ की बात करें एफ की होल्डिंग अच्छी खासी है सैंतालीस परसेंट डीआईएस ने यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है पब्लिक की बात करें नौ परसेंट की हिस्सेदारी नजर आती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है आईसीआई आई यहाँ पर पब्लिक के पास सारे बड़े लोगों ने यहाँ पर लेके रख रखे है तो और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर करेक्ट हुआ था उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जा चुका है ये पहले कई चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखा रहे है तो अभी भी देखेंगे तो अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर लेता है तो यहाँ पर 18 परसेंट के रिटर्न मिलते हैं बट एक बार जब ये, ये भागेगा इस बार रिजल्ट आएंगे और जो रिजल्ट अच्छे आने ही वाले ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है तो ये शेयर यहाँ नहीं रुकने वाला और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर थाउजेंड के लेवल के लिए कम से कम यहाँ पर इन्वेस्ट करे अगेन इसे भी देखेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं भागा शेयर पाँच सौ से लेके यहाँ पर केवल ढाई सौ ही ऊपर भागा और वो भी कितने साल में यहाँ पर अगर दोबारा भागे पर पर भागेंगे बिलीव मी यहाँ पर इन्वेस्ट करना एज वेल एज स्विंग ट्रेड करना दोनों ही यहाँ पर बेहतरीन रहेगा आठ लाख करोड़ के आसपास का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एस के बाद दूसरा यहाँ पर बैंक आता है डेट की बात करें सेवन पॉइंट टू लाख करोड़ का मतलब सात सौ बीस परसेंट का यहाँ पर डेट भी अच्छी खासी बात बात है ये पी uh, की बात करें तेईस के पी पे यहाँ पर मिल रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न करोड़पति बनाया है इस शेयर ने भी अपने uh, इन्वेस्टर्स को पचपन रुपए का अभी देखिए शेयर किस तरीके से भागा है इसके अलावा रेवेन्यू की बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर नंबर आ रहे हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे वो भी हाईएस्ट एवर है ईपीएस पी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेसिस ईयरली बेसिस पे बात करें ईयरली बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हैं सोलह लाख करोड़ का सोलह हजार करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर एक लाख तीस हजार करोड़ का रेवेन्यू बना है नेट प्रॉफिट देख सकते हैं तीन हजार करोड़ का चौतीस सौ हजार करोड़ हो गया है जो कि अच्छा खासा दिखाई देता है रिजर्व्स बढ़ रहे हैं पंद्रह लाख करोड़ की तो बोरिंग दे रखी है इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है कैश अच्छा खासा है और प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है FIS की होल्डिंग देखिए अच्छी खासी है डी की होल्डिंग की बात करें वो भी अच्छी खासी है और यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो केवल तेरह परसेंट के शेयर यहाँ पर दिखाई देते हैं और अगर हम बात करते हैं एच बैंक की तो आपको एच बैंक भी दिखाई देगा कि एक अच्छी खासी करेक्शन यहां पर हो चुका है अगर इसे यहां पर अगर यहां से भी आप लेते हैं देखिए के स्विंग ट्रेड में आपको पर आपको रिटर्न मिलते हुए नजर चल रहा है इसके बात करें। से तो कुछ भी नहीं भागा बिलीव में ये शेयर भी जब भागेगा मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन हो चुका है इन सारे बैंक में जब भागेंगे अच्छे खासे रिटर्न देते हुए जाएंगे तो इन तीनों बैंकों की तरफ ध्यान दीजिए और जो आपको कह रहे हैं कि पीएनबी लीजिए या दूसरे बैंक लीजिए या दूसरे सरकारी बैंक लीजिए उन्हें छोड़िए ये डिस्काउंट पे मिल रहे हैं इन्हें पकड़िए है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना कमेंट करना शेयर करना बिलीव में ये शेयर सारे भागते हुए ना जाएंगे फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना जितना हो सके सपोर्ट करना इस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस